अब्द मुनाफ कुरैश के एक सरदार थे जो बड़े हसीन खूबसूरत भी थे, बड़े फयाज भी थे और गरीबों को खाना खिलाने और परदेसियों को मेहमान रखने और हज के मौके के ऊपर लोगों की खिदमत करने के सिलसिले में उनका नाम बहुत मशहूर था। उनके दो बेटे हुए, एक का नाम अब्दुशम्स था और एक का नाम अमर था। कहते हैं कि दोनों ट्विन थे, हमें इसके मुतालिक कोई तहकीक नहीं है लिहाजा हम इसके फार या अगेंस्ट में कुछ नहीं कह सकते, लेकिन किताबों में लिखा है बस वो दोनों लड़के जो थे वो ट्विन थे और अब्दुशम्स का माथा अमर के पैर की उंगली से जुड़ा हुआ था। पैदा होने के बाद किसी ने काट के अलग कर दिया। इस मौके पर यह भी कहा गया कि उस जमा जो बुजुर्ग लोग जमा थे उन्होंने कहा कि अब इन दोनों में हमेशा तलवार चलेगी। यह वाकया सही है या गलत है मुझे नहीं मालूम, आई एम नॉट श्योर। जो किताबों में लिखा है वही है। अब्दुशम्स और हाशिम की आदतों में फर्क था। शम्स खुद पसंद किस्म के आदमी थे, वो आदमी जो सिर्फ अपने फायदे की बात सोचते हैं और अपना बनता बिगड़ता देखते हैं, अपना नफा नुकसान देखते हैं, हमें इसमें क्या मिलने वाला, हमें क्या, हमें इसमें क्या हो। अमर उन लोगों में थे जो दूसरों की मदद करते और दूसरों के मसायल और दूसरों के मुश्किलात और दूसरों के प्रॉब्लम थे। जब ये दोनों बड़े हुए और जवान हुए तो अमर के इस कैरेक्टर की वजह से बाप की विरासत अमर के हिस्से में आई। दोनों भाइयों में बाप की जो विरासत थी, बाप की नियामत जो थी, वो अमर के हिस्से में आई और लोगों ने अमर को अपना लीडर चुना और मक्के का सरदार बनाया। अब्दुशम्स के अवामी आदमी नहीं थे, पब्लिक के आदमी नहीं थे। ज्यादा अब्दुशम्स को ये बात भी अच्छी भी नहीं लगी और अब्दुशम्स जो थे वो शाम चले गए, इसलिए कि शाम में कमाई अच्छी थी, शाम में कारोबार अच्छा था, शाम में मामला बेहतर थे। लिहाजा उन्होंने आते थे साल में एक दफा, एक विजिट करते थे मक्के की, लेकिन परमानेंट उन्होंने अपना बेस जो है वो सीरिया में बना लिया। हज वगैरह के जमाने में आते थे और आन के चले जाते थे, लेकिन मुस्तकिल वो परमानेंट जो है वो यहाँ नहीं रहते थे, वो शाम में रहते। और अमर जो थे वो यहाँ रहते थे पक्के में। अमर ने बड़े काम किए हैं जबरदस्त। अमर के अंदर लीडरशिप बड़ी जबरदस्त थी और क्यादत की सलाहियत जो थी बहुत जबरदस्त थी, लेकिन अमर के नाम से आप में से कोई पहचान नहीं रहा है और मैं भी इतनी देर से इनका नाम छिपाए हुए हूं कि जिस नाम से आप इनको पहचानते हैं यही अमर थे जो बाद में हाशिम कहलाए। इनके बाप ने जब ये पैदा हुए तो इनका नाम हाशिम नहीं रखा था, इनका नाम अमर रखा गया था। हाशिम सिफत है, नाम नहीं है। हाशिम कहते हैं टुकड़े टुकड़े करने वाले को, चूरा चूरा करने वाले को, किसी चीज को पीसेस में बांट देने वाले को हाशिम कहते हैं। कि ये शाम में थे, शाम में इनको ये बात मालूम हुई कि मक्के में कहत पड़ गया है और लोग भूखे मर रहे हैं, दाने दाने को मोहताज हो गए लोग। तो इन्होंने जितना जल्दी हो सकता था उतना जल्दी गल्ला खरीदा, जितना खरीद सकते थे, जितना इनके पास पैसा था सबका गल्ला खरीद लिया। जितना तेज उस जमाने में सफर किया जा सकता था उतना तेज सफर किया है। हुए ये शाम से मक्के आए, ये उस वक्त पहुंचे हैं मक्के में जब सूरज डूब चुका था, अंधेरा फैल चुका था शहर में और सूरज डूब चुका था जब इनका कारवां मक्के पहुंचा है। पहुंचते ही इन्होंने ऐलान कर दिया कि कल सवेरे हमारे घर पर दावत है और जितने मक्के वाले हैं सबकी दावत है, बिला तफरीक जितने शहर में आबाद है सबकी हमारे दरवाजे में दावत है। और रात ही राता इन्होंने जितना हो सकता था तेजी के साथ वो गेहूं पिसवाए, आटा पिसवाया, ऊंट नहर कराए और उसके बाद इन्होंने खाना पकवाया। वो खाना अरबी में आज भी राइज है, गोश्त पकता है शोरबेदार और उसकी बोटियों को टुकड़े करके एक प्याले में डाला जाता है और रोटी जो पकती है तंदूरी रोटी उसको भी पीसेस में बांट के एक प्याले में डालते हैं तो वो एक गिज़ा बन जाती है, गोश्त और रोटी, उसको अरबी जबान में सुरीद कहते हैं। ये सुरीद गिज़ा जो है ये 1400-1500 वर्ष पुरानी गिज़ा है और आज भी अरबिस्तान में खाई जाती है। इन्होंने सुरीद तैयार कराया और सुरीद तैयार करा के इन्होंने दूसरे दिन सवेरे से अपने दरवाजे पर लोगों को खाना खिलाने की शुरू किया। कहत के जमाने में एक दिन खिला देने से काम नहीं चलता है, क्योंकि कहत जब असली कहत होता है तो असली कहत इसलिए होता है कि गल्ला खत्म हो जाता है, कोई चीज खत्म हो गई, नहीं है तो नहीं है, खत्म हो गई बात। आदमी मर जाए चाहे कुछ हो जाए, जब एक चीज नहीं है तो नहीं है। कहत के जमाने में इतने दिनों खिलाइए कि नेक्स्ट क्रॉप बाजार में आ जाए, आज नहीं तो कल भूखा मर जाएगा, कल नहीं तो परसों भूखा मर जाएगा। तारीख बताती है कि हाशिम ने 4 महीने अपने दरवाजे पर खाना खिलाया, इतना गोश्त रोटी तोड़ तोड़ के प्याले में खिलाया कि हाशिम नाम हो गया। तो हाशिम नाम नहीं है, नाम अमर है। हाशिम उनकी सखावत की वजह से अल्लाह ने उनको खिताब दिया। यहाँ जो आज तक नाम है बनी हाशिम, बनी हाशिम, बनी हाशिम, ये क्यों बनी हाशिम?
ये भूखे मरते हुए इंसानों को बिला तफरीक मजहब व मिल्लत, बगैर किसी बात के कंसीडरेशन के कि हमारा मुआफिक है कि मुखालिफ है, हमको अच्छा समझता है कि बुरा समझता है, हमारा फेवर करता है कि हमको अपोज करता है, अल्लाह का बंदा है, इंसान है, भूखा है, ले खाओ, आओ आओ तुम भी आओ, तुम भी आओ, तुम भी आओ। हाशिम के भाई अब्दुल शम्स जो शाम में रहते थे, उनके कोई औलाद नहीं थी, वो लावलत थे। उन्होंने एक गुलाम खरीदा था जिसने उनकी बहुत खिदमत की और उनके पास रहा। अब्दुल शम्स का इंतकाल ज्यादा एज में नहीं हुआ, औलाद थी नहीं उनके, उनका एक गुलाम था जिसको उन्होंने पाल लिया था। और इस्लाम आने से पहले अरब में यह रवाज था कि अगर किसी को बेटा बना के पाल लेते थे तो अडॉप्शन जो है वो इस्लाम में मना किया था, और सोसाइटी में अब्दुल शम्स का बेटा कहलाया, और इस आदमी का नाम उमैया था। ये आदमी जिसको अब्दुल शम्स ने पाला था, यह असलन बेटा नहीं था, गुलाम था, इसका नाम उमैया था, जिसकी नस्ल से बनी उमैया है। उमैया के माने भी होते हैं कनीज के, छोटी कनीज, हकीर कनीज, कम कीमत कनीज, मत कनीज को कहते हैं, और उमैया उसकी तस्वीर है, यानी उसके अंदर हकारत और कमजोरी पैदा करने के लिए उसको उमैया बना देते हैं। अहमद था तो मर्द मगर नाम उसका औरतों जैसा था। ये उमैया जो है हमेशा दुश्मन रहा हाशिम का, और इसके नस्ल दुश्मन रही है औलाद हाशिम। जब बनी उमैया बादशाह हो गए और इनके पास पावर आ गया, और सारे रावी और मुहद्दिस और हिस्टोरियंस सब इन्होंने खरीद लिए, तो उमैया को गुलाम से बेटा बना देना कितनी मुश्किल बात थी, बेटा बना दिया। लेकिन जैसे कि पुलिस में ये बात है तो कहते थे मुजरिम बाज गलतियां ऐसी कर जाता है या बाज चीजें ऐसी छोड़ देता है कि जिससे हमको पता लग जाता है कि ये असली मुजरिम है, और उसके बाद पुलिस उसको पकड़ लेती है और उसको अंदाजा नहीं होता कि इस जरिए से मैं पकड़ा जाऊंगा। तीन मौके हैं तारीख के अंदर जब औलाद हाशिम ने औलाद उमैया को गुलामजादा कहा।